ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं गुलाब जी एन ए कलेक्शन में आपका एक बार फिर से वेलकम और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे आप लोग को पता है कि कोलकाता के अंदर ओल्ड क्वाइन एंड नोट्स के एग्जीबिशन लगे हुए हैं, जो जिसकी शुरुआत हुई थी 23 दिसंबर 2022 को। समय जिसका इस एग्जीबिशन का टाइमिंग है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक चलता है। दोस्तों, इस एग्जीबिशन का आज आखिरी दिन है, यानी 25 दिसंबर है, और ये एग्जीबिशन आज के दिन में ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड हैं जो हमेशा पूछते हैं कि मतलब अलग अलग इंडिया के अलग अलग स्टेट में कहाँ कहाँ ये क्वाइन नोट एग्जीबिशन लगते हैं। तो दोस्तों, आप वेट कीजिए। जो भी मेरे अगर व्यूअर है जिसको एग्जीबिशन के बारे में जानना है, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। अगर इंडिया के अंदर कहीं भी एग्जीबिशन लगेगा तो उसका मैं वैल्यू पूरा डिटेल दूंगा, आप प्लीज़ वेट करें। अब जैसे इसके बाद कहाँ कहाँ एग्जीबिशन, एक छोटा सा मैं आपको फ्लैश दिखाता हूँ ताकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। इसके बाद में नासिक में एग्जीबिशन है, नासिक के बाद में आपको दिल्ली में एग्जीबिशन है, दिल्ली के बाद में आपको अहमदाबाद में एग्जीबिशन है, अहमदाबाद के बाद में सूरत में एग्जीबिशन है। यानी गुजरात के दो स्टेट में, दो शहर में एग्जीबिशन है, एक दिल्ली में है, एक महाराष्ट्र के नासिक में है। उसका मैंने अपडेट दे दिया नासिक का, और अभी दिल्ली का अपडेट नहीं दिया हूँ, और उसके बाद में बाकी का अपडेट नहीं है। समय आने पर 10 दिन पहले अपडेट देता हूँ। अब चलिए, इस एग्जीबिशन का आखिरी दिन है। अंदर में इसलिए वीडियो अलाउ नहीं करते हैं, जो एक ऑर्गेनाइज़र है वो मेरे फ्रेंड है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फेक यूट्यूबर हैं जो चुपके से आते हैं, वीडियो बनाते हैं और अलग से साउंड देकर गलत गलत इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। जैसे कुछ ऐसे रूमर फैले हुए इंडिया के अंदर जिनको लगता है कि कोई आदमी बेचेगा तो अमीर हो जाएगा। जैसे सबसे बड़ा कॉमन रूमर फैला हुआ है 5 रुपये का ट्रैक्टर नोट। कोई भी आदमी को लगता है, पता नहीं वो वीडियो कितना वायरल किया, जिस लोगों ने देखा वो बोला 5 लाख में बिकता है, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू 5 से 10 रुपये है। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह गेंडे वाला क्वाइन, डबल मोर, फुल चक्र का नोट, ठीक है, एच मांड मिड का, ये सब का कोई वैल्यू नहीं होता है। और आज के डेट में जो कॉमरेटिव क्वाइन चलते हैं, 1 के 2 के 5 के 10 के 20 के, जो पीले वाले, उसमें कोई रेयर नहीं आता है। रेयर जो 5 रुपये का कॉमरेटिव क्वाइन है उसमें रेयर बहुत आता है। तो उसके लिए आप मेरे चैनल का वीडियो देखिए। कोई भी क्वाइन का नोट्स का वैल्यू जानना है, या तो मेरे चैनल का वीडियो देखिए या आप बुक खरीदिए। जब तक आप बुक नहीं खरीदेंगे तो सही प्राइस में कलेक्शन नहीं कर पाएंगे। अब हमारे यहाँ बहुत सारे व्यूअर आए हुए हैं, तो सबसे पहले इनसे इधर आइए, आप पहले मास्क हटाइए, आज रहेगा, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? टीकाराम थापा। टीकाराम थापा आए हुए हैं। ये कहाँ से आए आप? नेपाल से। नेपाल से आए हुए? नेपाल टेरी कहाँ से? कितना दूर पड़ता है यहाँ से? बहुत है ना, इधर से। अच्छा, कौन सा कलेक्शन लेके आए? इधर दिखो, तो खत्म हो गया है मेरा कलेक्शन। अच्छा, ये ये फॉरेन कलेक्शन है? फॉरेन। अच्छा ठीक है, ये कलेक्शन लेकर आए थे। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद सुनिए, यहाँ पे जो आप वीडियो देखकर आए थे, तो किनका वीडियो देखो? यहाँ आने पे कैसा लगा, मतलब क्या जानकारी मैं जो देता हूँ उससे? बहुत जानकारी होगा। अच्छा, यहाँ जो लेकर आए थे वो बिका कि नहीं? बिका है। देखिए, लेकिन जो वही यहाँ पे वही बिकेगा जो सही प्राइस और सही वैल्यू में होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप चाहिएगा तो बिक जाएगा। आप एक बार, आप किधर से आए हैं? हम कलकत्ता से आए हैं। अच्छा, कलकत्ता, तो आपका कुछ कलेक्शन नहीं ले? अच्छा नहीं, आप बेच भी दिए? अच्छा सर, एक मिनट आइए। सर आप कहाँ से हैं? कलकत्ता से। अच्छा, नाम क्या आपका? विनोद बजाज जी। तो आप क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं कि सेल करते हैं? कलेक्शन भी करते हैं, सेल भी करते हैं। अच्छा, कलेक्शन भी करते हैं, सेल भी। कितने सालों से? 12 साल हो गए। देखिए, 12 साल से कलेक्शन है, लेकिन बहुत सारे लोग जो नए नए आजकल वीडियो जो चला है ना यूट्यूब, जब से यूट्यूब चला है लोग सब एक्साइटेड हो जाते हैं। कोई भी अगर हेडिंग डाल दिया कि ये क्वाइन, जैसे माता वैष्णो देवी का क्वाइन बहुत ही रूमर है, बोलेगा 2 लाख 3 लाख। प्लीज़ फ्रेंड, माता वैष्णो देवी का क्वाइन का वैल्यू है 0 0 0। सिंपल सी लॉजिक समझ लीजिए। अगर ऐसा होता तो ये 12 साल से हैं, तो इनको मालूम होता तो ये भी बहुत सारे रख देते हैं। और बहुत आप कुछ कलेक्शन है तो दिखाइए। अच्छा, ये नोट लेकर आए हैं। अच्छा, इस एग्जीबिशन में आप जो कलेक्शन करते हैं तो क्या होता है, सही प्राइस मिलता है? सही, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे इस फील्ड को ख़राब कर दिए हैं, उसका रीज़न क्या है? गलत जानकारी नहीं है। हाँ, उनको गलत तो यूमर हो गई, जिनको जानकारी है जी, सबसे है। अब जानकारी के लिए क्या है लोगों को, या तो आप एग्जीबिशन आइए, या तो मेरे चैनल पर कोई भी नोट का, क्वाइंस का वीडियो जानना है तो प्लीज़ उसको आप देखिए। जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं हो। या मैं कुछ घर जाने के बाद एक वीडियो बनाऊंगा नोट्स क्वाइन की, बुक की। बुक की कीमत है 800 रुपया। अगर आप वो सब लोगे तो आपको कलेक्शन करने में आसानी होगा, सारे रूमर से बच जाओगे। रेयर स्केयर क्या है, उसकी क्या वैल्यू है,
वो सारा उसमें पता चलेगा। ये नहीं आपको उससे पूछना पड़ेगा, उससे वो झूठ बोल दिए आप मान लोगे, लेकिन उस बुक झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि जो एग्जीबिशन के अंदर बिकता है वही होता है। देखिए सर, ये शालीमार गड्डी है, ये मतलब ये करेंसी नोट है, ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा रेयर नहीं है। इसकी गड्डी की वैल्यू 1500 से 1600 रुपये में मैं बाइंग करता हूँ, अगर UNC हो। लूज़ का सर 12 से 13 रुपया वैल्यू होता है, इसका बहुत ही कम कलेक्टर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में छपा है। ठीक है, अब आप आइए, आपके पास क्या है एक बार दिखाइए, आपका क्या नाम, वो इधर देख कर बताइए। नाम विनोद कुमार गुप्ता है। कहाँ से? मैं रीवा स्टेट से आया हूँ। रीवा राजघराना MP। अच्छा, MP से आए हुए हैं, और कौन से जिले से हैं? सीधी रीवा जिला। रीवा जिला से हैं, आप क्या करते हैं, कलेक्शन? मेरा दोनों काम है, लेते भी हैं बेचते भी हैं। अच्छा, इधर देख के बोलिए, अब देखा तो देखिए, ये MP से आए हैं, अब देखिए ये आपने खरीदा है क्या? 12.5 में लिया है, 13 में बेच रहे हैं। अच्छा ठीक है, नहीं बहुत सारा को लगता है कि अरे मेरे पास गड्डी है तो करेंसी है, 1200 से 1300, 1200 मैक्सिमम इस फील्ड में आइएगा तो कोई भी 1200 से ज़्यादा में आपको ये गड्डी नहीं लेगा, है ना, तभी तो वो 50-100 लेगा, या कलेक्टर भी होगा तो लेके रखेगा 5-10 साल तभी वेट होगा। ये नोट मैंने लिया 500-400 रुपये का लिया है जी, ये मिस प्रिंट नोट है। देखिए इसका अलग अलग कलेक्टर है, लेकिन इसका ये होना चाहिए कंडीशन अच्छा होना चाहिए, इनको लगता है कि 400 में लिया है, मेरा जो नॉलेज है ये 200 का वैल्यू होता है। ठीक है, कंडीशन के ऊपर वैल्यू होता है। ये इन्होंने फिर ये भी लिया है, 14 रुपये पीस में लिया था ये वाला, ये स्टार नोट है नया वाला, ये 14 रुपये इन्होंने पीस में लिया। अच्छा, ये गड्डी का अभी जेन्युइन लेते मतलब? मैंने लिया है 700 रुपये पीस में, 700 रुपये पैकेट। सात, ये 10 कट्टे 10 पीस का, ये एक पैकेट 700? नहीं भाई, एक गड्डी 700 रुपये की, ये एक गड्डी इन्होंने 700 में लिया। अगर आपके पास होते हैं, आप इंडिया में कहीं से हो तो आप एग्जीबिशन में जाओ, आप सेल कर सकते हो। ये नए वाली गड्डी है, एक गड्डी आपको 700 रुपये में आराम से मैं लेता भी हूँ, लेते भी आराम से कंफर्टेबली। लेकिन इसका प्राइस एक और चीज़ बता दे, जो भी मैं प्राइस बता रहा हूँ वो इसका प्राइस अप एंड डाउन भी होता है, उसका रीज़न क्या है, ये मार्केट है ना, अगर ये मार्केट में ज़्यादा है तो वैल्यू डाउन भी होगा। ये आप मत सोचो आज मेरा वीडियो देखोगे बोलेगे आपने बोला था, लेकिन मैं जो पर्सनली वीडियो बनाता हूँ उसमें जो बोलता हूँ उस रेट में खरीदता भी हूँ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आप थोड़ा दाएँ बाएँ का व्यू दिखा दीजिए आराम से, एक मिनट में दिखाता हूँ दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये बहुत सारा भीड़ है, इंडिया से अलग अलग से लोग से आए हैं। ये एग्जीबिशन का क्या है, छोटे छोटे ये देख रहे हैं बाहर में आप, फुट पे जो लगा हुआ है, ये छोटे डीलर हैं, इन लोग को जगह नहीं मिलता। आप देखिए यहाँ बहुत भीड़ रहता है, और अंदर में अलाउ नहीं है, क्योंकि फ्रॉडर की वजह से लोगों ने बदनाम कर दिया है बड़ी अच्छे वाले यूट्यूबर को भी, तो इसके लिए मजबूरी में क्या करना पड़ता है हम लोग को भी। अगर मैं सिर्फ वीडियो बनाऊँगा तो फिर और भी यूट्यूबर बोलेंगे, लेकिन हाँ जैसे अब मैं नासिक में रहूँगा, वहाँ से आपसे लाइव मिलूँगा 3 दिन, अगर जो भी मेरे फ्रेंड अगर कोई वीडियो देखते हैं महाराष्ट्र से तो मुझे मिल सकते हैं 6-7-8 जनवरी 2023 को मैं मिलूँगा नासिक के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि लोगों को सही जानकारी हो, जो गलत रूमर फैला है, जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, कमाते हैं मतलब डेली वर्क करते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद उसको लगता है कुछ ऐसा नोट जो कॉमन ही है और हाई प्राइस बताएं, वो फिर वो ज़्यादा सोचते हैं, इधर उधर घूमते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो फेक वीडियो बनाते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी, प्रोसेसिंग फ़ी लेकर लोगों को लूटते हैं। दोस्तों कोई भी एग्जीबिशन में कोई चार्ज नहीं लगता, कोई फीस नहीं लगता है। अगर कोई भी बायर अगर आपको बोलता है मैं खरीदूँगा, पैसा मांगेगा तो फ्रॉड है, नहीं पैसा मांगेगा, अगर आपको सेल करना है तो एग्जीबिशन में विजिट कीजिए। बहुत रेयर आइटम होगा तो मैं खुद लेता हूँ, उसके लिए वो क्वालिटी होने से मैं जा सकता हूँ मैक्सिमम, बहुत रेयर होने पर, लेकिन मैं किसी के घर उठ पे नहीं जाता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, GNA कलेक्शन की तरफ से आप लोग का धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।